हिंद दोस्तों, आप सबका सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के सभी शिफ्ट के पेपर ख़त्म हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सभी के हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं स्टूडेंट के द्वारा, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन के 100% एक्यूरेट क्वेश्चन देंगे, जो कि मैथ के विद सॉल्यूशन के साथ, रीजनिंग के भी विद सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा मैं बता दूँ, हमारे पास करेंट के भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन अपने जीएस के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ से सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबा लीजिए। अगर इन क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2018 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, और करेंट का जो क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना कि जो 2018 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका में। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यहाँ से अगर आप हमारे वीडियो से आपके 5 से 10 नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि आपको एक अनुमान पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलिए अगला है, भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना सुनील लांबा जी हैं, जो कि यूपी से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं जो कि सुनील लांबा जी हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तुम्हारा मैथ्स का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जाने में जो 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, और जो कि 2 घंटे देरी से पहुंचता, अगर वह 80 किलोमीटर की देरी स्पीड से जाए तो 1 घंटा देरी से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, स्पीड का टॉपिक पढ़िए, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आ नहीं रहा है इजी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना, 40 मल्टीप्लाई में आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, 80 दोनों का अंतर 40-80 का कितना हो जाएगा 40, और 2 घंटे और 1 घंटे में से माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से -1 सीधे काटेंगे, आपके क्या हो जाएगा 80 मीटर, इसकी क्या हो जाएगी बीच की दूरी है, आपको ऐसे इस तरीके से याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आता है यही इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो 2 एवरेज पूछ रहे हैं, तो एवरेज का भी मैं बता दूं आपको, एवरेज का पूछें तो 2 × x × y करके x + y रख देना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ताकि आपका, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, आपको टाइम भी बचाना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? तो याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 9 वर्ष का। तो और मैं बता दूँ, जो एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय है हेग में है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, हेग में। अगला ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आया आपका कि 12 + 18 और ये तुम्हारा -6/3 और ये × 4। तो मैं आपको बता दूँ इसको किस तरीके से करना, पहले हम बॉडमास नियम यहाँ फॉलो करेंगे, 3 × 6 में डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा, और 2 को माइनस करेंगे 8 से, और यहाँ से आपको क्या होना, फिर इसको जब कोष्टक खत्म करेंगे तो यहाँ से फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 में हम यहाँ 12 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 76। ये आपको इस तरीके से ऐसे करना था फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ से, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला है, यहाँ से साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया है कि 12,000 रुपये हैं और 10% की दर है, और आपसे यहाँ से 4 साल के लिए आपसे पूछा है कि एक साहूकार है कि कितना साधारण ब्याज होगा इसका। तो मैं आपको बता दूँ इसको कैसे साधारण ब्याज निकालते, जितना मूलधन है मूलधन लिख दीजिए, परसेंटेज कितनी है 10 है, और ईयर्स कितने हैं 4 है, यहाँ से 100 से डिवाइड कर दीजिए 2 0 से 2 0, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका 4800 इसका क्या आ जाएगा आपका इसका साधारण ब्याज आ जाएगा 4 साल में। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। अगला है आपका, फिर से यहाँ से रेशियो का क्वेश्चन आ गया कि राम और मोहन मोहर है जो उसका रेशियो दिया 2:3, तो आपको इस तरीके से लिखना है, फिर दिया मोहर और कमल का जो रेशियो है 4:5, आगे पूछा है राम और कमल का, तो देखो यहाँ से इसको जेड आकृति बनाइए, सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ कीजिए तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि आपसे राम और कमल का पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको इस तरीके से करना है, तो आपको क्योंकि टाइम भी बचेगा सब कुछ बचेगा, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 8:15। अगला है कि एक स्कूल में लड़कों का अनुपात लड़कियों के अनुपात का 3/5 है, याद रखना। तो लड़कियों की जो संख्या है 6 है, तो लड़कों की संख्या, देखो यहाँ से मैं बताऊँ, लड़कों की संख्या जब 3 है तो लड़कियों की संख्या 2 होगी, क्योंकि टोटल 5 है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा,
300 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 900 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आपको। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से इसको पूछा गया कि सभी बिल्ली शेर हैं, तो जो पहले होती है उसके ऊपर शेर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सभी शेर हाथी है, सभी शेर क्या है, हाथी है, तो यहाँ से हाथी हो जाएगा। फिर है कि कुछ हाथी शेर है, क्या कहा गया, कुछ हाथी शेर हैं लॉयन, तो ये आंसर सही हो सकता, क्योंकि कुछ तो इधर की तरफ से चल सकते बट पूरा की ओर नहीं चलते, जैसे कि सभी हाथी शेर नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर है कि कुछ बिल्ली शेर है, तो आपको ये भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ बिल्ली इधर से कुछ भी चल सकते हैं, सभी की ओर चलते हैं, तो आपको जिसने अगर यहाँ से दोनों ऑप्शन दिए उसके दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ सही हो जाएंगे। अगला है कि कान्हा किचली नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका जीएस का, तो मैं बता दूं ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो इस समय आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये टाइगर रिजर्व भी, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मैं बता दूं कमलनाथ जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आपको बता दूँ जो हो जाएंगी गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जो कि इनका अतिरिक्त भार इस समय छत्तीसगढ़ का भी संभाल रही हैं। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट बता दूं 230 है। यहाँ से अगला हो जाएगा भारत सरकार के गृह मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना राजनाथ सिंह है, और मैं बता दूं ये आपके यूपी से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चन, किस नदी के किनारे स्थित किस नदी पर स्थित है, ये कुछ क्वेश्चन में मिसिंग हो गया फ्रेंड्स, तो आपको मैं तो इस क्वेश्चन में कुछ फ्रेंड मिसिंग है, तो चलिए मुझे इतना ही क्वेश्चन मिला है, तो चलिए अगर मुझे इसका सही से पता हो जाएगा तो मैं आपको फिर से इसका दे दूंगा। अगला है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप राज्यपाल से संबंधित जितने आर्टिकल हैं उनके थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, 153, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसका याद रखना है कि 153 के अंतर्गत आते हैं। अगला है मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो आपको बताना है इसका उत्तर हो जाएगा कि वसा ऊतक में, तो याद रखना कि फ्रेंड्स इस तरीके से जितने भी मानव शरीर से क्वेश्चन होंगे तो आप थोड़ा देख लीजिए उनको, आपको बहुत मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। अगला है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है तमिलनाडु में है, और यहाँ की जो तमिलनाडु को मैं बता दूँ यहाँ से कुछ आपको फैक्ट, यहाँ के जो CM है ई पलानी स्वामी, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का कहाँ आयोजन हुआ, तो आपको याद रखना है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ये हाल ही में जो हुआ 2018 में, तो आपको याद रखना है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो फ्रेंड्स इतने हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जितने हमने आपको शेयर किए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।